हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ झारखंड के जंगलों से रुगड़ा की रेसिपी। यह आपके लिए नहीं होगी क्योंकि यह झारखंड के अलावा किसी भी स्टेट में नहीं पाया जाता है। जब पहली बारिश में बादल गरजते हैं तो धरती फटने के कारण यह धरती के नीचे पैदा होती है। यह पूटू के नाम से भी जाना जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल मीट की तरह ही आता है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और यह सिर्फ 2 महीने तक ही मिलता है, बाकी साल भर लोग इसका इंतज़ार करते हैं। तो अगर आप मानसून में झारखंड आएँ तो इसे ज़रूर ट्राई करें, यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। रुगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम रुगड़ा लिया है। इसे मैंने 2-3 बार साफ पानी से साफ कर लिया है। इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है इसीलिए इसे अच्छे से साफ करें। इसे हमें 2 टुकड़ों में कट कर लेना है, तो इसे मैं 2 टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें कुछ मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। उसमें मैंने 1 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप और मिर्च ऐड कर सकते हैं, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 हरी इलायची डाला है। इन सारे मसालों को हमें अच्छे से पीस लेना है, तो मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे मसाले को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और चलेंगे रुगड़ा बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप इस रेसिपी को सरसों के तेल में ही बनाएं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तब इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी, 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, इसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ, साथ में 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, 2 हरी इलायची। इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से चटकने देना है। जीरा हमारा चटक चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें रुगड़ा ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, रुगड़ा ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे ढककर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। रुगड़ा को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुका है और यह गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यह काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, यह ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इससे बस सिर्फ कलर आता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और साथ में पीसा हुआ मसाला भी ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर हमें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मसाला अपना तेल ना छोड़ दे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है, यह अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है, हमें ग्रेवी थोड़ी कम चाहिए इसलिए मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला है। अब इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर हमें 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा रुगड़ा भी बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे।
चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे झारखंड का टेस्टी रुगड़ा सब्जी बनकर तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका स्वाद बिल्कुल मीट की तरह ही लगता है। आप इसे रोटी सब्जी किसी भी के साथ सर्व कर सकते हैं, यह सबके साथ अच्छा लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।